सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो पिछले एपिसोड में देखा था आपने, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एपिसोड था। नहीं ज़्यादा देखा तो जाके देखो। डोमेंसियो और संस्या एक साथ आ जाते हैं एक रूम में, और यहाँ पर संस्या सोचती है कि बता दूँ कि तुम्हारे बॉडीगार्ड मेरे पीछे पड़े हुए थे। पर डोमेंसियो यहाँ कुछ सुनने को तैयार नहीं हो रहा था और बोल रहा था, नहीं 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 मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। जब भी तुम इस तरह का फेस बनाती हो तो मुझे डर लग जाता है, तुम ज़रूर कुछ सीरियस बात करना चाहती हो। तो फिर भी नहीं सुनने के बाद वो बोलता है, नहीं 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 मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। ऐसा वो कहता है तो बोलता है कि तुम तो किंडरगार्टन के बच्चे की तरह कर रहे हो। तो उस बात पर अपना डोमेंसी बोलता है, हाँ तुम भी तो एक खुशहाल बुढ़िया की तरह कर रही हो, और हम लोग यहाँ अकेले, वो बात तुमको कुछ नहीं समझ में आती है। तुम फिर से शुरू हो गए, तुम्हारी यही सब बातें तो मुझे नर्वस कर देती है। तो फिर वो सोचती है कि कुछ पूछूँ इससे, तो बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने अच्छे किसर कैसे बन गए? तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तुम बोले तुम कभी डेट पर भी नहीं गए हो। तो फिर डोमेंसी बोलता, अरे बाप रे मैं फंस गया। तो अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो पहले जो मैं मैजियो और सीमेन के साथ मैं हमेशा रहा करता था, तो जब भी मैं उनके साथ पार्टियों में जाया करता था तो मैं कुछ नहीं करता था, लड़कियाँ ही पहले मुँह मुझ पर करती थी। तो समझ रहे हो ना, वो बहुत पुरानी बात है, ठीक है, अब मैं वो सब नहीं करता हूँ। तो समझ रहे हो तो कि नहीं, सब मेरी पास्ट की बातें हैं। तो अच्छा ये सब तुम्हारे पास्ट की बातें हैं? हाँ, क्या तुम पुरानी बातों को लेकर बैठ गई हो? तुम्हें जलन हो रही क्या? हाँ जलन हो रही है। मुझे क्या, मुझे कोई जलन है, अपने में ज़्यादा हो मत, ठीक है? हाँ, तुम्हें जलन हो रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, किए हो, मुझे से कोई फर्क। हाँ तुम्हें जलन पड़ रही है, अगर तुम्हें जलन पड़ रही है तो बता दो, ऐसे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम्हें पता है क्या हुआ आज? आज तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मेरा पीछा किया और मैं यहाँ तक कि घर भी नहीं जा पाई। क्या मेरे बॉडीगार्ड? सच में? तो ये फिर यहाँ पर वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, उसी बताइए उसका फ़ोन आ जाता है कि तुम्हारे बॉडीगार्ड तुम्हारे वहाँ पर आने वाले हैं, वहाँ से जल्दी निकलो। तो जैसे उसके बॉडीगार्ड आते हैं, वो संस्या को लेकर छिप जाता है, और उसके बॉडीगार्ड बोलते हैं वो दरवाज़ा अंदर से लॉक है, चलो इसे तोड़ते हैं। तो वो लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी डोमेंसी बोलता है, कैसे करके तुम्हें बाहर निकलना होगा, तो हम लोग पकड़े जाएंगे, ऐसा उनको डर होता है। तभी वो छोटी सी खिड़की खोलता है, संस्या को बोलता है यहाँ से जाने के लिए। तो संस्या देख सुन के वहाँ से जाती है, तभी संस्या का मतलब एक जूता वहाँ पे मतलब गिर जाता है, और संस्या वहाँ से जंप कर लेती है। पता नहीं वो कितना गहरा था कितना नीचे, बट संस्या वहाँ से जंप कर लेती है। तो उसके बाद डोमेंसी एक आइडिया लगाता है, टब में बैठ जाता है और एक शैम्पू से अपने बालों को धोने लगता है। तभी वो लोग आ जाते हैं, बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये मतलब आपने कपड़े नहीं उतारे यहाँ पर, ऐसे कैसे, तुम्हें ऐसे कोई प्रॉब्लम है क्या, और तुम जैसे इतने इडियट, तुम बगैर मेरे परमिशन के अंदर कैसे आ गए, तुम लोग को सबक सिखाना पड़ेगा मुझे, हाउ डेयर यू। मैं मतलब ऐसे करके वो गुस्सा होता है, और यहाँ घर आता है तो घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा पड़ता है। तो यहाँ पर मिस यू देखती है, पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मेरी माँ मुझे क्रिमिनल की तरह मुझे ट्रीट कर रही है आज, उन्होंने मेरे मतलब मेरे और मेरे संचय के पीछे आदमी अपने आदमियों को लगा दिया था। तो बोलता है तुम्हारी माँ हमेशा से ऐसी है, स्टार्टिंग से तुम्हारी बहन को भी उसने ऐसे ही परेशान किया था। बोलता है कि हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें ये नहीं पता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके उसे तुम्हारी माँ ने कितना टॉर्चर किया, कितना उसे धमकाया, जिसकी वजह से जब तुम्हारी बहन घर छोड़ के भागी थी, उसके साथ भागने वाली थी, तभी उसका मैसेज आता था कि सॉरी मैं तुम्हें से नहीं मिल सकता हूँ। वो बहुत हमेशा हंसती रहती है, दिखाती रहती है, बट अंदर से वो कितनी दुखी है मैं जानती हूँ। तभी वो बोलती है कि सर, बोलता है कि हो सकता है इसलिए संस्या मुझ पर भी गिव अप कर दे। तभी वो उसे टपली मारती है, क्या कर रहे हो तुम संस्या तुम पर गिव अप इसलिए कर रही थी क्योंकि तुमने बहुत जल्दी हार मान लिया था। जब तक तुम संस्या के साथ रहोगे कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो पर मैं क्या करूँ, मैं ही उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे आई लव यू बोलता हूँ, मैं ही सारी चीज़ें, पर उसकी तरफ से क्या वो सेम फील करती है? बोलती है कि क्या अगर मुझे संस्या मुझे छोड़ दे तो? तो यहाँ पर मिस यू बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ संस्या लंगड़ाते लंगड़ाते अपने घर पहुँचती है, जहाँ उसका एक जूता मिसिंग होता है। तो डोमेंसी ने अपना मैसेज किया होता है कि क्या तुम घर पहुँच गई, सेफली पहुँच गई, ये वो हैन तेन। तो यहाँ पर संस्या बताती नहीं है कि मतलब मैसेज करती है, क्योंकि वो अगर वॉइस के साथ भेजेगी तो उससे पता चल जाएगा कि संस्या को हर्ट हुई है। तो फिर डोमेंसी भी समझ जाता, बोलता है नहीं तुम मुझे आवाज़ के साथ मैसेज करो ताकि मुझे पता चले कि तुम ठीक हो। तो थोड़ी देर के बाद संस्या मैसेज करती है, और मतलब थोड़ा देर हो जाता है, तो डोमेंसी बोलता है अगर तुमने मैसेज नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा तुम्हें देखने के लिए। सो यहाँ पर संस्या को चोट लगा रहता है, फिर भी वो नहीं चाहती कि डोमेंसी परेशान हो, ठीक है? फिर वो बताती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, और कैसे हो तुम इस तक उनकी बात फिर बात होने लगती है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो फाइन, मतलब समझ रहे हो ना कि उन लोग की जब थोड़ी सी अच्छी बातें होने लगती है ना तो वो अपने सारे दर्द भूल जाते हैं। यहाँ डोमेंसी भी बहुत खुश होता है, वो बोलती है संस्या के थैंक यू मतलब मेरे लिए इतना करने के लिए। सो संस्या को भी बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश होती है कि यार डोमेंसी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। तो ये रात ऐसा बीतता है, उसके बाद सुबह होती है।
जहाँ उसकी दोस्त आई, वो बोलती है कि मैं सीमेंट के और पास जाना चाहती हूँ। तो संसिया को बहुत वो लगता है, क्या सीमेंट के साथ जाना चाहती हो, तुम सीरियस हो क्या, तुम उसे प्यार करने लगी हो? तो वो बोलती है हाँ मैं उसे लाइक करने लगी हूँ, पर मुझे जानती हूँ कि वो मुझे हर्ट करेगा। बोलता है क्या पता है नहीं है वो कितना डेंजरस है, वो एकदम फ्लर्ट फ्लर्ट मतलब उस तरह का लड़का है वो। तो पर यहाँ पर वो समझ जाती है कि कोई रोक नहीं सकता है कितना भी। वो बोलता है कि मुझे उसके आसपास रहना बहुत पसंद है। तभी संसिया आप दूसरी तरफ सोचती है कि यार डोमेंसी को कॉल लगाऊं, कैसे कॉल लगाऊं? तो वो बोलती है कितना नर्वस है, कितना हार्ड होता है ये सब चीज़ें। उसके बाद वो एक्सरसाइज करने लगती है, 1 2 3 4 कि हाँ थोड़ा सा जोश आए, उसके बाद वो डोमेंसी को कॉल करे। लेकिन ये सब कर ही रही होती है, पर अपना डोमेंसी दूसरी तरफ से उसे देख रहा होता है और पूरा खुश हो रहा होता है कि ये लड़की क्या कर रही है, एक कॉल नहीं लगा पा रही है मुझे। तो उसके बाद वो फोन लगाती है, उसके बाद बोलती है हाँ कहाँ हो तुम, मेरे जूते लेकर आए हो? बोलता है हाँ मैं लेकर आया हूँ। ठीक है तो फिर कैसे दोगे मुझे? तो वो लेकर आता है। तो यहाँ पर डोमेंसी बोलता है, डोमेंसी आता है तो उसे पता रहता है कि वो बहुत नर्वस है। तो बोलता है अपना लेफ्ट राइट में देखो, ए लेफ्ट में क्यों देख रही हो, राइट में देखो पागल लड़की। तो उसके बाद वो वहाँ पे आता है तो बोलता है अच्छा एक बात बताओ, तुम अगली बार से मुझसे कॉल करने से पहले डांस करना बंद करोगी? वो बहुत फनी था, ठीक है ऐसा मत क्या करो। तो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा जूता देने आए हो पागल? अच्छा सुनो, तुम फ़ोन नीचे रख सकती हो, ठीक है अब हम लोग ऐसे ही बात कर सकते हैं। तो यहाँ संसिया पूरी नर्वस रहती है और वो बोलती है कि मैं सायो को रोक नहीं सकती हूँ सीमेंट के लिए, क्योंकि मुझे पता है प्यार में होना क्या होता है, आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो। तो यहाँ पर वो बहुत वो होती है कि यार अपने आप अपने फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते हो, चाहे आप जो भी हो जाए, इसीलिए वो जो भी कर रही है मैं उसे रोक नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद संसिया डरती है, बोलती है कि तो मतलब हम लोग यहाँ से चलना चाहिए, क्या पता कोई हमें देख ले। उसके बाद वो उसे दूसरी जगह लेके जाती है। लेकिन संसिया भी इस जगह पर पहली बार आई हुई होती है और उसे भी आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कपल्स लोग का गार्डन रहता है। तो बहुत नर्वस हो जाती है, तो बोलती है यही जगह पर तुम लाना चाह रही थी क्या? मतलब कि मैं क्या करूँ, मुझे भी पता नहीं था इस बारे में, तो या फिर तुम कुछ और मुझे हिंट दे रही हो? हाँ कुछ भी मत सोचो, ठीक है चलो वहाँ बैठते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पे जाके बैठते हैं। यहाँ पर डोमेंसी अपना वो रहता है कि पूरा फुल फुल वो रहता है। तो पूछता तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या? तो उसके बाद डोमेंसी यहाँ पर फिर से एक बार कहता है संसिया आई लव यू। तो लेकिन संसिया बोलती है तुमने अचानक से सब क्यों कर दिया, तो तुमने कभी मुझसे कहा नहीं कि तुम मुझे कितना प्यार मतलब प्यार करती हो। तो बोलता है कि हाँ मैंने बोला तो था तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो डोमेंसी यहाँ बोलता है ये इतना काफ़ी होता है क्या? तो संसिया भी सोचती है कि हाँ मुझे इसे कन्फेस करना चाहिए, लेकिन वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम कभी भी मुझे छोड़ के चली जाओगे। तो यहाँ भी संसिया लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। तभी अचानक से मतलब उस थोड़ा डर उसे लगा रहता है। फिर वो फ़ोन आता है तो बोलता है कि आज सेमेंट का पार्टी दे रहा है, उसके टी पार्टी जो है सक्सेस हो, मतलब टी जो बनाया था उसने वो सक्सेस हो गया, उसी की पार्टी दे रहा है। तो संसिया बोलते ठीक है हम लोग अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो बोला क्यों अलग अलग चलेंगे? अरे हमने बोला था ना शुरू में ही कि हम लोग अलग अलग जाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो सीमेंट के जो भी करीबी थे सभी के सभी लोग उस पार्टी में मौजूद थे और संसिया को बोलती है कि जाओ तुम भी तैयार होकर जाओ, मतलब तैयार हो जाओ, सभी लोग तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो जब जैसे आती है देखती है सीमेंट और उसके दोस्त की कुछ आवाज़ आ रही होती है, तो उसे लगता है वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। तो उसके पास सीधे जाती है, रुको क्या कर रहे हो तुम लोग? तो उसे लगता है कुछ कर रहे होते, पर वो सीमेंट उसे ड्रेस पहना रहा होता है जो कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तो यहाँ पर वो तो थोड़ा सा संसार का मजाक उड़ाता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि चलो तुम्हें भी वो मैं ड्रेस पहना देता हूँ, तुम्हें भी चेंज कर लेना चाहिए। तो उसे भी वो पहनाता है और साथ ही साथ पूछता है उसके बारे में, तो मतलब थोड़ी बात होती है। उसके बाद वो तैयार होकर जैसे ही वहाँ जाती है तो पार्टी में, तो डोमेंसी उसे देखकर पूरा हक्का बक्का हो जाता है कि संसा काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। तो उसे वो ड्रिंक ऑफर करता है। तो जब डोमेंसी उसे कॉम्प्लीमेंट करता है तो संसा को लगता है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो लोग फिर से लड़ने लगते हैं, तो सभी लोग उस समय सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। तो उन लोग का एहसास होता है कि अरे ये क्या हो रहा है। तो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, लड़ो लड़ो, तुम लोग लड़ते हुए बहुत अच्छे लगते हो। तो डोमेंसी बोलता है घूरना बंद करो वरना मैं तुम लोग को जान ले लूँगा, ठीक है। सीमेंट भी बोलता है कि बहुत मज़ा आता है तुम लोग को लड़ते हुए देखने के लिए जब देखता हूँ। तो उसके बाद संसिया काफ़ी ड्रिंक कर चुकी होती है, वो थोड़े से नशे में हो जाती है। उसके बाद वो मतलब आती है, डोमेंसी उसके पास आता है, तो वो मतलब कन्फेस करना चाहती है। वो इसलिए थोड़ा सा निराश होती है क्योंकि वो असल में वो ऐसी है नहीं, वो मतलब डरपोक है नहीं। तो बोलती है कि यार मैं क्या करूँ, सब लोग को हमारी चिंता रहती है और मैं बहुत डरपोक सी कर रही हूँ, मैं तुम्हें बोल नहीं पा रही हूँ, पर सॉरी तुम्हें मेरी वजह से इतना तकलीफ हो रही है, मैं बहुत वीक हूँ, है ना। तो उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें कन्फेस कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कोशिश करती है कि चलो मैं डोमेंसी को बोलूँ। तो उसके बाद आई उसके बाद वो बोलना जैसे ही बोलने लगती है तभी कहीं और से आवाज़ आ जाती है, आई लव यू। वो बोलती हाँ मैंने तो बोला नहीं, डोमेंसी बोलता है मुझे पता है, पर ये आवाज़ किसी और की थी। उसके बाद लोग देखते हैं तो सीमेंट को सावी बोल रही होती है, आई लव यू बोल रही होती है, पर सीमेंट जो होता है मजाक में ले लेता है, बोलता है ठीक है आई लव यू टू। सो सावी बोलती है कि अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा वो सीरियस हो जाता है और वो बोलता है कि डोमेंसी क्या वो उसका दिल तोड़ने वाला है।
तो सही बोलती है कि मैं सीरियस हूँ। तो बोलते देखो तुम क्या चाहती हो ये सब मुझे नहीं कर सकता, मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, डेट पे जाना चाहती हो, हक करना चाहती हो, किसी से चाहती हो, पर ये मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं एक अच्छा आदमी हूँ पर एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। तो यहाँ पर साई बोलती है कि तुम हमेशा मेरे सामने ये बुरे बनने का नाटक क्यों करते हो। सो यहाँ पर बोलती है साई वो, उसके बाद बोलती है मुझे, मतलब वो बोलता है क्लियर मुझे तुम पसंद नहीं हो, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो साओ को ये चीज़ बहुत मतलब दुखती है। तो यहाँ पर संस्या बोलती है कि अब छोड़ दो उस पर, गिव अप कर दो। तो वो बोलती है कि नहीं अब तो मैं उसे और अच्छे से समझने लगी संस्या हूँ। उसको बोलती है कि प्लीज़ उस पर गिव अप कर दो, वो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगा। तो वो बोलती है प्लीज़ संस्या तुम मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। लेकिन फिर संस्या बोलती है कि हाँ मुझे उसका दिल तो नहीं तोड़ना चाहिए, और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। सो इन सब चीज़ों को लेकर संस्या अपसेट हो जाती है, और उसके बाद डोमेंसी और संस्या थोड़ी बात करने लगते हैं। तो वो बोलता है कि देखो चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त का कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये सब बातें होने लगती है। उसके बाद वो बोलता है ठीक है, तुम हमेशा सिर्फ दूसरे के बारे में सोचो, हमारा क्या, तुम भी तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ कर रही हो, तुमने कभी भी मुझे बोला नहीं कि तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं। उसके बाद डोमेंसी वहाँ से गुस्से में चला जाता है, और संस्या भी वही सोचती है कि सही तो बोल रहा है वो भी। उसके बाद डोमेंसी ड्रिंक करता है और बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो वहाँ पर सीमन वो बोलता है कि यार इतने जल्दी क्यों घर जा रहे हो। तो यहाँ पर सावी भी बोलती है मैं भी घर जा रही हूँ, बहुत लेट हो चुकी है। पर डोमेंसी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो फिर जब संस्या आती है तो फिर वो बोलता है क्या तुम लोग फिर से तुम लोगों ने लड़ाई किया है क्या। तो यहाँ पर संस्या बोलती है डोमेंसी आई लव यू। तो उसे यहाँ पर जो कंफर्म करती है कि हाँ, तो यहाँ पर वो लोग सब शॉक हो जाते हैं अचानक से, अरे बाप रे ये क्या। तो सीमन बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ तुमने मतलब क्या बात कर रहे हो, तुम लोग डेट कर रहे हो यहाँ पर वो। तो संस्या सबके सामने यहाँ कंफर्म करती है कि हम और मतलब मैं और डोमेंसी बहुत समय से डेट कर रहे हैं, ठीक है, और सॉरी आप लोगों से ये सब चीज़ छुपाने के लिए। तो मेजू बहुत वो होता है, बोलता है अरे बाप रे तुम लोग डेट कर रहे हो, ये स्ट्रेंज नहीं है, पर तुम संस्या कन्फेस कर रही हो कि तुम डोमेंसी से प्यार करती हो, क्या बात है। सो तुम बोलता है डोमेंसी तुम्हें खड़े क्यों हो, संस्या ने अभी कन्फेस किया है। तो उसके बाद वो जाके सीधे गले लगता है, और संस्या बहुत खुश होती है इस बात से, और बोलती है मैं ऐसे ही हूँ और मैं ऐसे ही जीऊँगी, चाहे जो हो जाए, फाइनली मैंने बोल दिया है, अब मैं अपने आप को होल्ड नहीं करूँगी, जो भी बात होगी दिल की मैं उस डोमेंसी को बता दूँगी। और डोमेंसी भी बहुत खुश होता है इस बात से लेकर कि चलो फाइनली संस्या ने कन्फर्म कर दिया। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी मोमेंट का तो सब लोग वेट कर रहे थे ना। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।